हेलो फ्रेंड, है आज का प्लान। इसका प्लॉट डायमेंशन है 30 फीट बाय 50 फीट और बिल्डिंग के चारों ओर साइड साइड बैक छोड़ दिया गया है। पीछे की तरफ 3 फीट, लेफ्ट साइड 3 फीट और राइट साइड 3 फीट। अब आते हैं सामने यानी फ्रंट की तरफ। फ्रंट साइड साइड बैक छोड़ दिया गया है 9 फीट 6 इंच, जो आपके लिए टू व्हीलर बाइक के लिए सफिशियंट होगा। इसके बाद हम चलते हैं एंट्रेंस वरांडा की तरफ। इसका साइज़ होगा तकरीबन 8 फीट लंबा और 4 फीट चौड़ा। अब आते हैं हॉल की तरफ। यह आपको 12 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा हॉल बना सकते हैं। हॉल के अंदर सोफा सेट और टीवी यूनिट दिया गया है। अब आते हैं किचन और डाइनिंग की तरफ। इसका साइज़ होगा तकरीबन 12 फीट लंबा और 12 फीट चौड़ा, जो आपके लिए सफिशियंट होगा। किचन के साइड में ही कूलर रूम दिया गया है। इसका साइज़ होगा तकरीबन 4 फीट लंबा और 6 फीट चौड़ा। उसके बाद आपको यहाँ कॉमन बेडरूम और मास्टर बेडरूम कम अटैच लॉट दिया गया है और कॉमन यूज़ करने के लिए कॉमन बाथ और WC सेपरेटली बना दिया गया है। अब चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। यहाँ ग्राउंड फ्लोर चिड़िया चढ़ने के बाद आता है बालकनी। इसका साइज़ तकरीबन 10 फीट चौड़ा और 12 फीट लंबा होगा और उसके साइड में ही आपको मिलेगा ओपन स्काई बालकनी। और ग्राउंड फ्लोर में जो भी हॉल, बेडरूम, कॉमन टॉयलेट दिखाया गया है, सेम फर्स्ट फ्लोर में दिखाया गया है, जिसे आप रेंट पे दे सकते हो। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके